वय प्रभा डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया नमस्कार मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूँ जैसा कि हम लोगों ने पिछली कुछ क्लासेस में लेक्चर्स में ये जाना कि हम किन किन मेथड से अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं तो उसमें हमने यह सीखा कि यदि हमें दो ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस है उसे एग्ज़ामिन करना हो या दो से ज़्यादा जब हमारे पास ग्रुप्स हों तो उनके बीच में जो डिफरेंस है उसे एग्ज़ामिन करना और यह देखना कि यह डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं इस तरह की हाइपोथेसिस में हमें किस तरह के एनालिसिस को करना चाहिए यह हमने लास्ट के लेक्चर्स में सीखा आज हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए यह जानने का प्रयास करते हैं कि यदि हमारी हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप अज्यूम किया गया हो तो हम उस स्थिति में किस प्रकार का एनालिसिस करते हैं और किस प्रकार यह एनालिसिस हमें हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में हेल्प करता है एग्जाम्पल के लिए हम लोग यह ले सकते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब मोटिवेशन अगर ये दोनों मेरे रिसर्च के वेरिएबल हैं और मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप है या ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं तो इस स्थिति में हम जो एनालिसिस यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कोरिलेशनल एनालिसिस आज के इस लेक्चर में हम लोग कोरिलेशनल एनालिसिस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोरिलेशन या सहसंबंध किसे कहते हैं तो यदि हम एक सामान्य भाषा में बात करें तो सहसंबंध का अर्थ क्या है यदि किसी से पूछा जाए आप सह संबंध को किस तरीके से परिभाषित करेंगे तो वो कहेगा कि जो लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं एक दूसरे की बातें मानते हैं तो हम कह सकते हैं कि इन व्यक्तियों के बीच में एक संबंध है यदि वेरिएबल के विषय में सह संबंध के बारे में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि वो वेरिएबल जो किसी एक फैमिली से बिलोंग करते हों एक जैसे हों उन्हें हम कह सकते हैं कि इनके बीच में सह संबंध है ये आपस में को रिलेटेड हैं लेकिन को रिलेशनल एनालिसिस इस सामान्य परिभाषा के बियॉन्ड डिस्कशन करता है तो जैसा कि हम अभी की परिभाषा में कह रहे हैं कि जो सिमिलैरिटी है कैरेक्टरिस्टिक्स में तो हम लोग सामान्य भाषा में कह देते हैं कि ये वेरिएबल या ये व्यक्ति आपस में संबंधित हैं लेकिन सिर्फ सिमिलैरिटी होना उनकी करेक्टरिस्टिक्स में उनके किसी एक पैटर्न में किसी बिहेवरल पैटर्न में ही हमें सह संबंध की पूरी जानकारी नहीं दे पाता है हो सकता है दो लोग एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स को ओन करते हों लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स यदि चेंज हो, तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे कोई इसका प्रभाव ना पड़े ऐसा पॉसिबल है एक परिवार में कुछ सदस्य रहते हैं लेकिन यदि परिवार का एक सदस्य किसी तरह की परेशानी में हो तो दूसरे सदस्य पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े तो यदि एक वेरिएबल में किसी प्रकार का हम परिवर्तन करें और उस परिवर्तन का प्रभाव दूसरे वेरिएबल पर ना पड़े तो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है कोई सहसंबंध नहीं है लेकिन यदि हम किसी एक वेरिएबल के पैटर्न में उसके मैग्नीट्यूड में उसकी नूमेरिकल वैल्यूज़ में कोई चेंज करें और इस चेंज के कारण और इस चेंज से जुड़े हुए मैनिपुलेशन पैटर्न में चेंजेस दूसरे वेरिएबल में भी आपको दिखाई दें तो इस परिस्थिति में हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध है लेकिन ये पैटर्न जो है चेंज का सिर्फ सिमिलर हो इसी को हम कोरिलेशन कह देंगे तो हो सकता है कि ये जो पैटर्न है अनसिस्टेमेटिक हो उसका कोई सिस्टम ना हो वो रैंडमली कभी तो वो पैटर्न आपको शो हो रहा है कभी वो पैटर्न आपको शो नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि इन दोनों के बीच में कोई सिस्टमेटिक कोरिलेशन या सहसंबंध नहीं है तो यदि हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो हम कहेंगे कि ये जो सहसंबंध है ये जो पैटर्न ऑफ चेंजेस का फैशन है या रिलेशनशिप है ये सिस्टमेटिक होना चाहिए जब ये सिस्टमेटिक होगा तभी हम अपने दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन स्थापित कर पाएंगे इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यह है रिलेटिवली कंसिस्टेंट रिलेटिवली कंसिस्टेंस का अर्थ है कि यदि एक वेरिएबल में हम कोई परिवर्तन करें तो दूसरे वेरिएबल में भी रिलेटिवली कंसिस्टेंसली वो परिवर्तन प्रभावित हो और दूसरा वेरिए वेरिएबल भी पहले वेरिएबल में होने वाले मैनिपुलेशंस की वजह से अपने अंदर चेंजेस करें जब ये सिर्फ कभी हो कभी ना हो और इसके अंदर कंसिस्टेंसी ना हो तो हम कहेंगे कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन या सहसंबंध नहीं है तो कोरिलेशन होने के लिए ये दो स्ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहला ये जो संबंध हो ये सिस्टमेटिक हो तथा ये जो संबंध है ये कंसिस्टेंटली हमें दिखाई पड़ रहा हो इन दोनों परिस्थितियों के बाद हम लोग ये अज्यूम कर पाते हैं कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक विशेष प्रकार का संबंध स्थापित है अब हम लोग अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए यह जानने का प्रयास करते हैं कि कोरिलेशनल एनालिसिस में या कोरिलेशन में किस किस प्रकार की अजम्पशंस को आपको फॉलो करना होता है तथा किस किस प्रकार की उपयोगिता हम को रिलेशनल एनालिसिस के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं तो सबसे पहले जो अजम्पशन है आप देख सकते हैं लिखा है मिनिमम टू वेरिएबल मिनिमम टू वेरिएबल का अर्थ है कि जब हम लोग कहीं भी कोरिलेशन की बात करते हैं तो दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के या वेरिएबल के विषय में चर्चा करते हैं तो जब हम कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे तब भी हमें मिनिमम दो वेरिएबल चाहिए यदि दो वेरिएबल नहीं होंगे तो हम कोई कोरिलेशन एज्यूम नहीं कर पाएंगे और कोरिलेशनल एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट जो इसकी अजम्पशन है वो है डायरेक्शनल जब हम लोग किसी को रिलेशन या सहसंबंध के बारे में चर्चा करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जैसा संबंध है वैसा ही संबंध उस दूसरे व्यक्ति का उस पहले व्यक्ति के साथ होगा यदि हम इसे वेरिएबल के टर्म में समझें और लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए एंड वेरिएबल बी तो जब हम लोग इसके कोरिलेशन की चर्चा करेंगे तो ये बाई डायरेक्शनल होगा बाई डायरेक्शनल का अर्थ यही है कि जो कोरिलेशन ए का बी के साथ होगा वही कोरिलेशन बी का ए के साथ होगा और इसे हम लोग इस प्रकार से चिन्हित करते हैं बाई डायरेक्शन के एरो के माध्यम से अब जो तीसरी यूटिलिटी है या हम कह सकते हैं उपयोगिता है हमारे कोरिलेशन की तो वो है अज्यूम द स्टेटस ऑफ अ वेरिएबल अज्यूम द स्टेटस ऑफ अ वेरिएबल से हम क्या समझते हैं कि वेरिएबल किसी भी कोरिलेशन में दो होंगे और यदि हमारे पास किसी एक वेरिएबल की प्रजेंट की स्थिति और उसमें जो परिवर्तन हो सकते हैं जो चेंजेस हो सकते हैं उसके लेवल में जो आगे परिवर्तन हम लोग अज्यूम कर सकते हैं तो उसके उस नॉलेज के आधार पर मैं वेरिएबल बी में भी होने वाले जो परिवर्तन हैं जो चेंजेस हैं वो अज्यूम कर सकता हूँ क्यों क्योंकि जो वेरिएबल ए है और जो वेरिएबल बी है वो आपस में को रिलेटेड हैं और को रिलेशन का अर्थ है कि यदि वेरिएबल ए अपनी नूमेरिकल वैल्यूज़ में अपने लेवल्स में अपने मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस लाता है या इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल बी में भी इसी प्रकार के ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड के चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं तो हो क्या सकता है कि हम लोग वेरिएबल ए के माध्यम से वेरिएबल बी के बारे में एक अजम्पशन क्रिएट कर सकते हैं जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं यदि हमें ये पता हो कि शुगर लेने से या चीनी की मात्रा अधिक खाने से शुगर हो सकता है डायबिटीज़ हो सकता है तो इस परिस्थिति में हम लोगों ने ये जाना कि शुगर की मात्रा ज़्यादा कंज्यूम करने से डायबिटीज़ हो सकती है और इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है पॉजिटिव संबंध है जितना ज़्यादा आप शुगर लेंगे उतना ज़्यादा डायबिटीज़ होने की प्रोबेबिलिटी आपको होगी तो इस परिस्थिति में यदि मुझे ये अज़्यूम करना हो कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो सकती है और ये अजम्पन मेरा किसके बेसिस पर है कि वो बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करता है तो मेरे पास सिर्फ़ एक वेरिएबल की जानकारी है उसके शुगर के कंजम्पशन की और शुगर का कंजम्पशन चूंकि कोरिलेटेड है डायबिटीज़ होने की प्रोबेबिलिटी पर तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ या कह देता हूँ कि तुम शुगर कम लिया करो शुगर लेने से डायबिटीज़ तुम्हें हो सकती है या ये कह सकता हूँ कि तुम्हें डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो इस प्रकार हम लोग वेरिएबल्स के बारे में और जानकारी एक, एकत्र कर सकते हैं कोरिलेशन के माध्यम से अब हम लोग दूसरा यूटिलिटी की बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दूसरी यूटिलिटी है वी कैन हैव अ कंट्रोल द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिज़ायर्ड आउटकम इसका अर्थ हुआ यदि दो वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड हैं हम इसी एग्जांपल को एक बार फिर लेते हैं ए एंड बी ये दो वेरिएबल मेरे पास हैं और मैं ये चाहता हूँ कि जो वेरिएबल बी है इसके अकरेंस होने के इसके संभावित होने के जो प्रोबेबिलिटी है उसे मैं कंट्रोल करूं लेकिन मेरा वेरिएबल बी पर कोई कंट्रोल नहीं है लेकिन मुझे यह जानकारी है कि वेरिएबल बी कुछ वेरिएबल्स से कोरिलेटेड है सहसंबंधित है तो मैं क्या कर सकता हूँ वेरिएबल ए के थ्रू जो वेरिएबल बी है इसमें जो मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ उसी प्रकार के परिवर्तन मैं वेरिएबल ए में इनकॉर्पोरेट कर कर वेरिएबल बी में ला सकता हूँ जैसे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम लोग इसे समझते हैं फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल बी है स्टडी आर्स के आप कितना घंटा पढ़ते हैं वेरिएबल बी है मार्क्स आपके क्लास में कितने मार्क्स आते हैं चूंकि मार्क्स मुझे कितने मिलेंगे इस पर मेरा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है लेकिन यदि मैं अपने स्टडी आर्स को बढ़ा दूं और चूंकि स्टडी आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड हो मार्क्स से तो उस परिस्थिति में क्या होगा मैं यह अज्यूम कर सकता हूँ या इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकता हूँ कि मेरे क्लास में ज़्यादा मार्क्स आएंगे इस एग्ज़ाम्पल को हम लोग दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे यदि वेरिएबल ए है हार्ड वर्क, मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ ये कोरिलेटेड है किससे व्यक्ति की सक्सेस से सक्सेस के रेशियो से तो चूंकि मेरा डायरेक्ट कंट्रोल अगर नहीं है सक्सेस पर तो मैं क्या कर सकता हूँ उससे रिलेटेड जो वेरिएबल्स हैं जैसे हार्डवर्क करना ऑनेस्टली अपने कार्य को पूरा करना तो यदि मैं इनमें पॉजिटिवली चेंजेस लाऊंगा, इनको इंक्रीज करूंगा तो पॉसिबिलिटी है कि जो सक्सेस का रेशियो है वो कोरिलेटेड होने के कारण वो भी इंक्रीज़ हो वो भी बढ़ जाए ये है कि हम को के माध्यम से किस प्रकार किसी एक वेरिएबल के ऑकरेंस को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं जैसे यदि हमें किसी एक व्यक्ति से कोई कार्य है और हम उस व्यक्ति को डायरेक्टली नहीं जानते हैं या हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है तो हम क्या करते हैं उस व्यक्ति से जो रिलेटेड लोग होते हैं जुड़े हुए लोग होते हैं हम पहले उनको मैनिपुलेट करते हैं या आप कहिए उनके पास जाते हैं और उनसे उस कार्य को पूरा कराने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार हम लोग जिस व्यक्ति को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस व्यक्ति को उससे कोरिलेटेड लोगों के माध्यम से हम कुछ हद तक मैनिपुलेट या अपने हिसाब से उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं अब जो नेक्स्ट यूटिलिटी है वह है आइडेंटिफाई रिलेटेड आइटम्स और फैक्टर्स जब हम लोग कोई स्केल बनाते हैं या साइकोलॉजिकल कोई मेज़र डेवलप करते हैं तो उसमें हम लोग बहुत सारे आइटम्स डेवलप करते हैं और वो आइटम हम लोग अपने उस कंस्ट्रैक्ट उस कंस्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और यदि उस कंस्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कुछ डायमेंशंस हैं तो उनके आधार पर हम लोग बहुत सारे आइटम्स बनाते हैं और उस स्केल के डेवलपमेंट के प्रोसेस में हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यदि हमने कुछ डायमेंशंस बनाए हैं क्या वो डायमेंशन एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं या नहीं और उन डायमेंशंस को मेज़र करने के लिए जो हम लोगों ने आइटम्स डेवलप किए हैं वो आइटम्स आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं या नहीं तथा वो आइटम्स उस डायमेंशन से और आगे चल के उस कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड हैं या नहीं उस स्केल के सभी आइटम उसके डायमेंशंस से और डायमेंशंस उस स्केल के साथ रिलेटेड होने चाहिए क्यों क्योंकि उन आइटम्स का और उन डायमेंशंस का जो डेवलपमेंट हुआ है वो इसी थेटिकल परस्पेक्टिव से हुआ है कि वो आइटम्स उन डायमेंशंस को और वो डायमेंशंस मिलकर उस साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को मेज़र कर रहे हैं तो इस स्थिति में हम लोग कोरिलेशन के जो मेथड्स हैं जो उसकी थेरी है उसका उपयोग करते हुए अपने स्केल को डेवलप करते हैं हम कोरिलेशनल एनालिसिस का उपयोग सिर्फ इन आइटम्स की स्ट्रिक्स को ही देखने के लिए नहीं करते बल्कि जो हमारे स्केल की एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है रिलायबिलिटी जो भी स्केल साइकोलॉजी में डेवलप किया जाता है वो इस बेसिस पर डेवलप किया जाता है कि वो स्केल रिलायबल होगा तो उस परिस्थिति में भी हम लोग को रिलेशनल एनालिसिस का उपयोग करते हुए अपने स्केल की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिलायबिलिटी को इस्टेब्लिश करते हैं तो यहाँ इस स्लाइड के माध्यम से हम लोगों ने कोरिलेशनल एनालिसिस की अजम्शंस और उनकी यूटिलिटी उन्हें हम किन किन परिस्थितियों में और कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं इसके बारे में जाना तो कोरिलेशनल एनालिसिस ये हमने अभी समझा कि हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के साथ साथ हमें और भी कई जगह हमारे रिसर्च में हमारी हेल्प करता है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के साथ साथ स्केल के डेवलपमेंट में और बहुत सारे जो हमारे पॉसिबल डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं उनको सम्हाव कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है तो अजम्पन्स और यूटिलिटी को समझने के बाद अब हम लोग आगे इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि कोरिलेशन के या सहसंबंध के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो प्रकार हमने मेंशन किया है वह है जीरो कोरिलेशन जीरो कोरिलेशन का क्या अर्थ हुआ जीरो कोरिलेशन का अर्थ हुआ कि दोनों वेरिएबल्स या दोनों परिस्थितियों के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है जो कि प्रैक्टिकली कुछ नॉट एक्सेप्टेड जैसा लगता है क्योंकि जब भी कोई दो वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल्स के आपस में कोई ना कोई संबंध होता है चाहे वो हमने अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर से समझा हो या हमने कहीं बाहर ऑब्जर्व किया हो या हमें कोई ऐसा इंट्यूशन या इंसाइट हुई हो तो उस परिस्थिति में ही हम लोग उन दो वेरिएबल्स को लेकर एक कोरिलेशनल हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं तो इस बात की संभावना काफ़ी हद तक कम होती है कि जब हम लोग एनालिसिस करें तो उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में हमें ज़ीरो कोरिलेशन मिले यदि हमने बिना सोचे समझे ही कोई दो वेरिएबल ले लिए हो, तभी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अब यदि जो ज़ीरो कोरिलेशन होने की संभावना काफ़ी कम है तो अब और किस तरह के कोरिलेशन हमें मिल सकते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यदि ज़ीरो कोरिलेशन नहीं है ज़ीरो कोरिलेशन का अर्थ हुआ कि यदि हम एक वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर और दूसरे वेरिएबल को वाई एक्सिस पर पुट करें और दोनों की जो नंबर्स हैं फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक्स के कुछ नूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं हाइपोथेटिकल और वाई के लिए भी तो जीरो कोरिलेशन तब होगा जब इन दोनों के बीच में मैं किसी भी प्रकार से इन दोनों का आकर कुछ ऐसा हो कि कभी एक वेरिएबल कहीं हो कभी दूसरा वेरिएबल कहीं पर हो और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज में मैं किसी भी तरह का कोई अजम्पशन या एक लाइन ड्रॉ ना कर सकूं वो लाइन जो उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करे दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है कि जब हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर अपनी लाइन ड्रॉ करें तो हमारे पास जो फॉर एक्जाम्पल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगर इस तरह का हम लोग डेटा ड्रॉ करें और वेरिएबल एक्स और वेरिएबल बी के जो ऑकरेंस है वो कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप शो करें कि यदि वेरिएबल एक्स का जो नंबर है वो वन है तो वेरिएबल वाई का भी जो नंबर है वो वन है और अगर एक्स की वैल्यू टू है तो वाई की वैल्यू भी टू है इस तरीके का रिलेशनशिप हमारे डेटा में हो तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या कहते हैं कि ये दोनों वेरिएबल आपस में परफेक्टली कोरिलेटेड हैं किसी डेटा सेट में या आपकी हाइपोथेसिस में परफेक्ट कोरिलेशन आने की भी संभावना ऐसी प्रकार से है जैसे दोनों के बीच में जीरो कोरिलेशन आने की संभावना क्योंकि यदि दोनों वेरिएबल इस तरह का रिलेशनशिप शो कर रहे हैं इसका अर्थ है या तो वो दोनों वेरिएबल बिल्कुल सेम हैं उनके बीच में कोई अंतर नहीं है या जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा कलेक्शन के प्रोसेस की वजह से उसकी किसी लिमिटेशन की वजह से दोनों वेरिएबल के जो नूमेरिकल वैल्यूज़ हमें मिले हैं वो एक जैसा पैटर्न शो कर रहे हैं यदि वो दोनों वेरिएबल एक ही होते एक ही प्रकार के होते तो हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर में उन दोनों की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस और मीनिंग नहीं मिलते अगर उन दोनों की डिफरेंट मीनिंग है डिफरेंट डेफिनेशंस हैं तो इसका अर्थ है कि वो संभाव किसी ना किसी कंडीशन में एक दूसरे से कुछ ना कुछ हद तक एक दूसरे से डिफरेंट होंगे अब इस परिस्थिति को दूसरी कंडीशन में समझते हैं तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं लीनियर क्योंकि आप देखेंगे कि इस रिलेशनशिप को मैं एक लाइन के माध्यम से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं लीनियर कोरिलेशन अब इसकी क्या एक और परिस्थिति बन सकती है कि ये जो लीनियर कोरिलेशन है ये परफेक्ट कोरिलेशन तो ना हो क्योंकि ये इसकी संभावना काफी कम है लेकिन अभी भी ये पॉजिटिव ही हो तो एग्जैक्टली exactly एक दूसरे के नंबर्स को मेरे एक्स और वाई वेरिएबल ओवरलैप ना करें लेकिन एक पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन शो करें अर्थात समान अनुपात में तो वो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो लेकिन एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरे वेरिएबल के भी इंक्रीज़ होने की संभावना हो तो इस परिस्थिति को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन जब एक वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो और दूसरे वेरिएबल में भी कुछ उसी ट्रेंड का इंक्रीमेंट या इंक्रीज आपको दिखाई दे अब इसकी एक दूसरी परिस्थिति बन सकती है वो ये कि यदि एक वेरिएबल में इंक्रीमेंट ना हो बल्कि घटौती हो उसके नंबर्स कम हो जाएं, तो उस परिस्थिति में हमारे वाई एक्सिस पर या वाई वेरिएबल पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा तो दूसरी परिस्थिति हो सकती है कि यदि हमारे पास दो वेरिएबल हों वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई जिसे हमने एक्स और वाई पर प्लॉट किया और अब जो इनका रिलेशनशिप का ट्रेंड है वो कुछ इन्वर्टेड फॉर्म में हो अर्थात जब वेरिएबल एक्स बढ़ रहा हो तो वेरिएबल वाई घट रहा हो जब वेरिएबल वाई बढ़ रहा हो तो वेरिएबल एक्स घट रहा हो तो इस तरह की परिस्थिति में हम लोग कहते हैं कि इन वेरिएबल्स के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप है या हम कहते हैं कि निगेटिव को है तो आप यहां देखेंगे कि जब एक्स की मात्रा बढ़ रही है तो वाई की मात्रा कम है जैसे जैसे एक्स की मात्रा घटती जा रही है वाई के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो इस अवस्था में हम लोग इसे निगेटिव कोरिलेशन की संज्ञा देते हैं अब पॉजिटिव और निगेटिव लीनियर कोरिलेशंस के बाद जो और सहसंबंध के प्रकार हो सकते हैं उनकी अब हम आगे चर्चा करते हैं तो यदि जो कोरिलेशन है वो लीनियर ना हो आपस में उनका रिलेशनशिप लीनियर ना हो तो किस प्रकार का हो सकता है कर्वी लीनियर या हम कह सकते हैं नॉन लीनियर तो जो नॉन लीनियर, लीनियर रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी है उसे हम लोग तीन हिस्सों में बांट सकते हैं तो जैसे इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में यदि लीनियर रिलेशनशिप ना हो तो वो किस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है उसमें एक की संभावना है यू शेप टाइप रिलेशनशिप की ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा किस तरीके से दिखेगा जैसे यदि शुरू में जो वेरिएबल एक्स है और वेरिएबल वाई है उसका रिलेशनशिप किसी एक तरह का हो या तो पॉजिटिव या निगेटिव लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो रिलेशनशिप इन्वर्ट हो जाए तो ये जो हमारे पास रिलेशनशिप का पैटर्न बना है ये कुछ यू शेप टाइप है ये लीनियर नहीं है लेकिन इसके अंदर एक रिलेशनशिप का पैटर्न है तो इस तरह की एक कंडीशन हम लोगों के सामने आ सकती है और दूसरी किस तरह की कंडीशन हो सकती है दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई हैं उनका रिलेशनशिप एक डिफरेंट तरह का पैटर्न शो करे जिसमें वो शुरू में इंक्रीमेंट हो फिर एक डाउनफॉल हो फिर उसके बाद वो इंक्रीमेंट करने लगे तो यहाँ पर कहीं वो लीनियर शो हो रहा है कहीं कर्वी करवी लीनियर शो हो रहा है तो इस प्रकार की परिस्थिति को हम क्यूबिक नॉन लीनियर कोरिलेशन की संख्या देते हैं इसके अलावा भी और एक तरीका है जहाँ पर कोरिलेशन शो हो सकता है उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल इस परिस्थिति में या इस प्रकार में जो हमारा डेटा है और उस डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह का आपको प्रतीत होगा जिसमें शुरू में आप देखेंगे कि कोरिलेशन की जो मात्रा है क्वांटिटी है वो कम है लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो एक कोरिलेशन आपको शो करने लगता है जैसा कि हम लोग अपनी डेवलपमेंटल स्टडीज़ में इस तरह का रिलेशनशिप पाते हैं या उसकी संभावना होती है जहाँ पर शुरू में तो कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं हो पाता लेकिन धीरे धीरे वो एक कोरिलेशन की फॉर्मेट में आगे बढ़ने लगता है तो अभी हम लोगों ने जो कोरिलेशंस के टाइप थे उसमें मेज़रली आप दो या तीन टाइप कह सकते हैं पहला ज़ीरो उसके में बाद सेकंड लीनियर लीनियर में हम लोगों ने परफेक्टली पॉजिटिव या परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में डिस्कशन किया परफेक्टली नेगेटिव या परफेक्टली पॉजिटिव ना हो तो पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन में डिस्कशन किया यदि हमारा रिलेशनशिप लीनियर ना हो नॉन लीनियर हो तो उसमें किस किस प्रकार के रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त में अभी चर्चा की अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए ये जानने का प्रयास करते हैं कि कोरिलेशनल एनालिसिस से हमें जो आउटकम मिलता है कोरिलेशनल कोफिशिएंट इसका क्या अर्थ है और इससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है तो कोरिलेशनल कोफिशिएंट हमें दो जानकारियां मुख्य रूप से देता है एक है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का अर्थ है कि जो दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो कितना ताकतवर है कि हम एक वेरिएबल में यदि परिवर्तन करें तो किस रेशियो में दूसरे वेरिएबल में परिवर्तन हमको दिखाई पड़ेगा इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें कोरिलेशनल रिलेशनल से प्राप्त होती है वो है डायरेक्शन के इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में किस डायरेक्शन का कोरिलेशन है जैसा हमने अभी लीनियर कोरिलेशन के टाइप में जाना कि ये दो प्रकार की डायरेक्शन आपको शो कर सकता है या तो पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन जिसमें पॉजिटिव कोरिलेशन का अर्थ है एक वेरिएबल में यदि इंक्रीमेंट होगा तो दूसरे वेरिएबल में भी कुछ एक निश्चित रेशियो में इंक्रीमेंट होगा लेकिन निगेटिव कोरिलेशन की अवस्था में एक वेरिएबल में यदि इंक्रीमेंट होगा तो एक निश्चित अनुपात में दूसरे वेरिएबल में कुछ हद तक घटौती होगी तो इस प्रकार हमें कोरिलेशन से उसके संबंध की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं अब जो एक कोरिलेशनल कोफिशियंट होता है इसका मैक्सिमम नंबर प्लस माइनस वन तक ही पॉसिबल है इसका अर्थ है कि यदि आपका कोरिलेशनल कॉफिशियंट प्लस माइनस वन से ज्यादा आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशंस में कुछ गलती या कुछ एरर आपसे हुई है यह है प्लस माइनस वन के बियॉन्ड नहीं जा सकता लेकिन प्लस माइनस वन कोरिलेशन के कोफिशंट के मैग्नीट्यूड से क्या संबंध है इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं तो यदि इसका मैग्नीट्यूड हम कह रहे हैं कि प्लस माइनस वन से आगे नहीं हो सकता तो प्लस माइनस वन के जस्ट बीच में क्या अवस्था होगी ज़ीरो तो यदि कोरिलेशन कोफिशियंट जीरो है तो हम कहेंगे इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध नहीं है अब ये सम संब, इस संबंध का जो मैग्नीट्यूड है ये या तो पॉजिटिव साइड जा सकता है या निगेटिव साइड तो या तो यहाँ पर हमारा कोरिलेशन कोफिशियंट पॉइंट वन या पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स टिल वन तक पॉसिबल है तो यहां पर ये जो कोरिलेशन की वैल्यू है ये मेरे दोनों वेरिएबल्स के संबंध का मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ शो कर रही है किस में? में। अब सेम यही परिस्थिति यहां प्लस वन होगा तो इसका अर्थ होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इसी सेम इसी तरह की परिस्थिति कहां बन सकती है इसके निगेटिव साइड में तो यहाँ पर होगा पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन पॉइंट एट पॉइंट नाइन एंड पॉइंट एंड वन माइनस तो यदि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मेरा मैग्नीट्यूड ज़ीरो से या तो प्लस वन की तरफ या जीरो से माइनस वन की तरफ ही जा सकता है क्यों क्योंकि यदि या तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव कोरिलेशन होगा तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में मैं या तो पॉइंट वन प्लस में बात करूंगा या पॉइंट वन माइनस में बात करूंगा क्यों क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये पहले ही निर्धारित हो चुकी है अब हम क्या करेंगे आगे यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह मैग्निट्यूड किस प्रकार से हमारा रिलेशनशिप की क्षमता के बारे में हमें बताता है तो जितना ये कोरिलेशन जीरो के करीब होगा वो उतना ही वीक होगा और जिस प्रकार यह प्लस की तरफ बढ़ता जाएगा चाहे वो प्लस हो वन की तरफ प्लस वन की तरफ चाहे वो बढ़ता जाए माइनस वन की तरफ दोनों ही परिस्थिति में वो सेम मैग्नीट्यूड की तरह बढ़ेगा तो चाहे तो मेरा कोरिलेशन की वैल्यू पॉइंट फोर पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो दोनों में जो मैग्नीट्यूड है कोरिलेशन का वो सेम है सिर्फ क्या अंतर है डायरेक्शन का प्लस पॉइंट फोर पॉजिटिव कोरिलेशन को शो कर रहा है माइनस पॉइंट फोर नेगेटिव कोरिलेशन को शो कर रहा है मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है अब इसे एक और एग्जांपल से लेते हैं यदि ये सब माइनस में माइनस पॉइंट नाइन और प्लस पॉइंट थ्री ये दो मेरे पास कोरिलेशन के कोफिशेंट हों तो इन दोनों में मैग्नीट्यूड में कौन सा कोरिलेशन कोफिशियंट अधिक होगा तो यहाँ पर हमें साइन का कोई कंसिडरेशन नहीं करना है क्योंकि मैग्नीट्यूड ये नंबर्स शो करेंगे प्लस और माइनस सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताएगी तो यदि पॉइंट नाइन माइनस में कोरिलेशन है तो इसका मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा प्लस में पॉइंट थ्री से तो इस प्रकार हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करके समझ सकते हैं कि कोरिलेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस प्रकार की जानकारी हमें देता है अब हम लोग आगे समझते हैं कि यदि हमारे पास जो कुछ डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के कोरिलेशन हो, तो उनका क्या अर्थ है तो हमने अभी देखा कि ज़ीरो से कोरिलेशन की वैल्यू स्टार्ट हो रही है एक साइड में वो पॉइंट प्लस साइड में जा रही हैं और दूसरी साइड में माइनस साइड तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ पॉइंट वन से प्लस में पॉइंट टू पॉइंट टू वन से पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फोर वन से पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स वन टू पॉइंट एट इंट एट वन टू पॉइंट नाइन नाइन यदि वन होगा तो परफेक्ट होगा तो इस कोरिलेशन की कंडीशन को कुछ बुक्स में लिखा है नेग्लिजिबल अर्थात आप इस कोरिलेशन को इग्नोर कर सकते हैं पॉइंट टू से पॉइंट फोर लो कोरिलेशन पॉइंट फोर से पॉइंट सिक्स मॉडरेट कोरिलेशन पॉइंट सिक्स से पॉइंट एट हाई कोरिलेशन पॉइंट एट से पॉइंट नाइन वेरी हाई कोरिलेशन इस तरह का इंटरप्रटेशन आपको कुछ बुक्स में मिल जाएगा सेम यही इंटरप्रटेशन नेगेटिव साइड के लिए हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन आपकी बदल जाएगी तो इसे आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के टर्म्स में समझ सकते हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ये जो क्लासिफिकेशन है ये अलग अलग है तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आपको अपने कोरिलेशन के कोफिशेंट पर ध्यान देना है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोरिलेशनल कोफिशेंट को कैलकुलेट करने की जो हमारे पास विधियाँ मौजूद हैं उनके बारे में अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशेंट को कैलकुलेट करने की हमने दो मेथड्स के बारे में आपको लिखा है अब समस्या यह है कि हम किस परिस्थिति में किन आजम्शंस में पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड यूज़ करते हैं और किन परिस्थितियों में हम लोग स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर मेथड यूज़ करते हैं ये जो पहला मेथड है इसका नाम पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन इसलिए है क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट है वो पियर्सन ने किया तो उन्होंने किया तो उन्हों के ही नाम पर इसका नाम पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशनल पड़ गया ये जो सेकंड मेथड है स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन इस्पियरमैन द्वारा इसे दिया गया डेवलप किया गया और उन्हीं के नाम पर इसका नाम स्पियरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन पड़ा। अब पियर्सन कोरिलेशन हम लोग किन किन परिस्थिति में कैलकुलेट करते हैं जब हमारा डेटा हमारे पास कंटीन्यूस सीरीज में हो कंटिन्यूस डेटा हो लिकॉर्ड पर हमारे पास डेटा हो या हम लोगों ने जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं जो लिकॉर्ड पर डेटा कलेक्ट हुआ है वो हो तो उस पॉइंट पर हम लोग पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशनल मेथड का उपयोग करते हैं अब दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है जैसा हमने लेवल ऑफ मेजरमेंट को डिस्कशन करते हुए समझा था कि हमारे पास डेटा कंटिन्यूस होने के अलावा हो सकता है रैंक्स में हो एक ऑर्डर में हो तो यदि हमारा डेटा रैंक्स में है ऑर्डर में है तो उस परिस्थिति में हम लोग रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं जब भी हम लोग ये डिसाइड करें कि हमें कौन सा कैलकुलेशन करना है तो पहले उस डेटा का लेवल ऑफ मेज़रमेंट और नेचर को अच्छे से समझ लेना चाहिए और उसी के आधार पर अपना कोरिलेशनल मेथड चूज़ करना चाहिए अब ये जानने के बाद कि हम लोग किन किन विधियों से किन किन परिस्थितियों में किस प्रकार का कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम लोग कुछ नूमेरिकल एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू अपनी कैलकुलेशंस के प्रोसेस को समझते हैं सबसे पहले हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू पियर्सन कोरिलेशन किस प्रकार कैलकुलेट किया जा सकता है ये जानने का प्रयास करते हैं पियर्सन कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज अवेलेबल हैं हम उनमें से किसी भी फार्मूला को यूज़ करते हुए पियर्सन को रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं उनमें से कुछ फार्मूलाज को हम लोग यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे तो जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए तो हमने अभी एग्जाम्पल लिया कि हमारा जो पहला वेरिएबल है वो है जॉब सेटिस्फैक्शन और जो दूसरा वेरिएबल है वो है जॉब मोटिवेशन अभी हम लोगों ने ये अज्यूम किया अब हम लोग इसके लिए हाइपोथेटिकल डेटा क्रिएट करते हैं तो माना जॉब सेटिस्फैक्शन पे हमारे स्कोर्स हैं फाइव नाइन थ्री फोर सेवन टू इनका समीशन हुआ थर्टी टोटल इनका एन है सिक्स तो इसका मीन हुआ मीन अगर हम इस वेरिएबल को एक्स और इसे वाई माने तो मीन एक्स हमें मिला फाइव अब वेरिएबल वाई पर जो कि जॉब मोटिवेशन है हम लोग डेटा एज्यूम करते हैं माना वो डेटा है फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेल्व थर्टीन एट टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इनका जो समीशन हमें मिला वो मिला सेवेंटी एट एन इक्वल है सिक्स तो जो एम मीन वाई का हमें मिला वो हुआ थर्टी अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना है एक्स मीन से डेविएशन एक्स की सीरीज के लिए और वाई के सीरीज के लिए तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्स की सीरीज के लिए जब डिविएशन कैलकुलेट किया तो फाइव माइनस मीन ज़ीरो देन फोर माइनस टू माइनस वन टू माइनस थ्री ये नूमेरिकल वैल्यू हमें एक्स के लिए मिली अब हम लोग सेम यही प्रोसेस वाई सीरीज के लिए करेंगे तो वाई सीरीज़ के लिए हमारे पास मीन है थर्टीन और जो एक्स के पॉइंट हैं फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेल्व तो यहाँ पर जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मिली वो हुई टू सेवन माइनस वन ज़ीरो माइनस फाइव माइनस थ्री अब हम लोगों के पास हमारे पास डिविएशन है एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास एक्स के लिए स्क्वायर होगा ज़ीरो का ज़ीरो फोर का सिक्सटीन फोर वन फोर नाइन तो समीशन एक्स वन का स्क्वायर हमें मिला थर्टी फोर उसके बाद यही हम वाई के लिए करेंगे तो समीशन वाई के लिए हमें मिला फोर फोर्टी नाइन वन ज़ीरो ट्वेंटी फाइव नाइन और समीशन वाई डैश स्क्वायर हमें मिला एट्टी एट अब हम लोगों को नेक्स्ट कॉलम कैलकुलेट करना है जो होगा एक्स वाई अर्थात हमें एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है तो जो हमारे पास आया वो होगा जीरो ट्वेंटी एट प्लस टू प्लस ट्वेंटी एट जीरो माइनस टेन प्लस नाइन तो समीशन एक्स स्मॉल एक्स समीशन स्मॉल वाई जो हमारे पास आया वो हुआ ट्वेंटी नाइन अब नेक्स्ट स्टेप है आर का फॉर्मूला तो यहाँ पर इस स्थिति में आर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हम लोग पियर्सन कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर तो यहाँ पर समीशन एक्स वाई की वैल्यू जो हमें मिली थी वो यहाँ पर लिखी है वो हो गई ट्वेंटी नाइन अब समीशन एक्स स्क्वायर समीशन एक्स स्क्वायर यहाँ पर है थर्टी फोर समीशन वाई स्क्वायर एट्टी एट और जब हम इनकी कैलकुलेशंस करते हैं तो जो आर की वैल्यू हमें मिलती है वो होगी पॉइंट फाइव थ्री इस प्रकार इस फॉर्मूला से हम लोग आर की वैल्यू को रिलेशन कोफिशेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम इसी कैलकुलेशन इसी डेटा को दूसरे नंबर की कैलकुलेशन से करेंगे और देखेंगे क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता है कि हम किस मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं या नहीं तो दूसरी परिस्थिति में हमारे पास सेम यही डेटा हमने लिया जॉब सेटिस्फेक्शन जॉब मोटिवेशन एक्स वाई और यहाँ पर हमारे पास जो डेटा था फाइव नाइन थ्री फोर सेवन टू वाई के लिए था फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेल्व थर्टीन एट टेन तो यहाँ पर हमारे पास थर्टी डिवाइडेड बाय सिक्स मीन एक्स हमें मिला था फाइव और यहाँ पर सेवेंटी एट डिवाइडेड बाय सिक्स मीन वाई हमें मिला था थर्टीन अब हमें यहाँ पर क्या नेक्स्ट कॉलम कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर एक्स इंटू वाई तो यहाँ पर हमने एक्स को स्क्वायर किया तो हमें मिले ट्वेंटी फाइव एट्टी वन नाइन सिक्सटीन फोर्टीन नाइन फोर तो समीशन एक्स स्क्वायर इस कंडीशन में हमें मिला वन एट फोर और वाई स्क्वायर मिला टू टू फाइव फोर ज़ीरो ज़ीरो वन फोर फोर वन सिक्स नाइन सिक्स फोर एंड हंड्रेड इनका समीशन मिला हमें समीशन वाई स्क्वायर वन वन ज़ीरो टू

क्ल टू समीशन एक्स इंटू वाई देन माइनस एन एन हमारे पास ऑलरेडी है देन एम एम एक्स मीन एक्स इंटू मीन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस एन मीन एक्स का स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर माइनस एन मीन वाई स्क्वायर अब हम लोग ये नंबर्स इस में पुट करते हैं तो यहाँ पर होगा फोर वन नाइन माइनस सिक्स इंटू फाइव इंटू थर्टीन और नीचे वैल्यूज़ होंगी अंडर रूट वन एट फोर वन एट फोर देन एन माइनस सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव माइनस वन वन ज़ीरो टू माइनस सिक्स इंटू वन सिक्स नाइन तो जब हम इन कैलकुलेशंस को करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि इनकी भी नूमेरिकल वैल्यू आपको पॉइंट फाइव थ्री मिलेगी आर इज टू तो यहाँ पर हम लोग ये समझ पाते हैं कि हम किसी भी फॉर्मूला से मेथड से कैलकुलेट करें आर की वैल्यू सेम डेटा पर सेम होगी अब हम आर की वैल्यू को डिग्री ऑफ फ्रीडम के संबंध में यहाँ पर उसको 0.05 या 0.01 पर देख सकते हैं टेबल देखना हम लोगों ने टी की टेबल के साथ और अनोवा की टेबल के साथ सीख चुके हैं यहाँ पर हम लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करनी है और उसके पैरलर जो भी हमारे पास या पॉइंट ज़ीरो वन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो वैल्यूज़ हैं उन्हें कंसिडर करते हुए ये जानना है कि हमारी वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है अब हम लोग बस एक स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको जानते हैं जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था रैंक ऑर्डर में रैंक ऑर्डर कोरिलेशन में हम लोगों के पास जो डेटा होगा वो रैंक्स में होगा तो हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो, दो टीचर्स हैं और उन्होंने अगर किसी स्टूडेंट को रैंकिंग दी है तो यहाँ पे माना हमने टीचर वन और टीचर टू इसने रैंकिंग की है पाँच नंबर्स में तो माना उसने उस स्टूडेंट को रैंक किया पहले वन टू फाइव फोर थ्री टीचर टू ने उन्हें रैंक किया टू थ्री फोर फाइव वन इस परिस्थिति में चूँकि हमारे पास रैंक ऑर्डर डेटा है तो इसकी कैलकुलेशंस के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है डी और फिर डी स्क्वायर डी का अर्थ है इन दोनों डेटा पॉइंट्स का डिफरेंस। तो यहाँ पर आएगा माइनस वन माइनस वन वन माइनस वन टू अब हमें क्या करना है डी स्क्वायर तो मिलेगा हमें वन 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 सॉरी वन एंड फोर तो समीशन डी स्क्वायर जो हमें मिला वो हुआ एट स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इसे हम लोग आर एच ओ या पी से रिप्रेजेंट करते हैं पियर्सन कोरिलेशन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते थे इसका फॉर्मूला है वन माइनस सिक्स इंटू समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ब्रैकेट स्टार्ट एन स्क्वायर माइनस वन तो जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वो होंगी वन सिक्स इंटू एट डी स्क्वायर की वैल्यू डिवाइडेड बाय एन हमारा फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस वन जब हम लोग ये कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो है पॉइंट ज़ीरो पॉइंट सिक्स तो इस प्रकार हम लोग इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए कोरिलेशन की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं और जो हमने हाइपोथेसिस दो वेरिएबल्स के बीच में रिले बनाई थी उसको एग्ज़ामिन कर सकते हैं कोरिलेशन के प्रकार कोरिलेशन की कैलकुलेट करने के दो विधियों के बाद वो विधियाँ किस किस परिस्थिति में हमें यूज कर हमने जानकारी प्राप्त की तो आज के इस लेक्चर समाप्त करते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो थैंक यू